आज बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, मैं टेस्टी हेल्दी लेकर आई हूँ रेसिपी। चिकन करी बनाई है मैंने सब्जी के साथ, उसमें डाला है मैंने घिया। ये है 500 ग्राम्स है ये चिकन। तीन मैंने हरी मछलियाँ बाद में ऐड करेंगे। दो प्याज हैं, बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। और ये है टमाटर, ये अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, और 10-12 लहसुन के लिए इसका बना लेंगे हम पेस्ट। चूल्हे पे रख दिया है मैंने प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से, जो हम डालेंगे सब्जी वो भी गल जाएगी। इसे मैंने डाल दिया है 100 ग्राम ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 10-12 एक काली मिर्च। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था उसका मैंने बना लिया है पेस्ट, टमाटर प्याज लहसुन अदरक का, तो उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अब अच्छे से चटक गया है, ये जब अच्छे से थोड़ा सा ये भुन जाएगा प्याज और ये टमाटर जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तो सब मिक्स ही है ये सब। देखिए मसाला जो इस तरह से मैंने भुनना है ना, एक तो ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें मैंने साबुत प्याज स्लाइस करके नहीं डाली है क्योंकि इसके पीसेस रह जाते हैं, तो इसको आप ग्राइंड कर लें, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था ये इस तरह से। तो ये हमारा बहुत ही डिलीशियस सेमी टेस्टी बन के ये सब्जी वाली चिकन करी बन के तैयार होगी। आप इसकी जगह मैंने तो इसमें घिया ऐड किया है, लौकी भी कहते हैं इसको। इसमें देखिए मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून डाल दिया इसमें मैंने धनिया पाउडर, 2 पिंच डाल दिया मैंने इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून डाल दिए मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और 1 टीस्पून डाला है इसमें मैंने नमक। मिर्ची और नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें जितना आप खाना पसंद करते हैं। बहुत ही डिलीशियस सेमी टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है चिकन के साथ में। अब इसमें डाल दिया मैंने 1 कप पानी, मसाला हम भून लेंगे। जो बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप जरूर बना के इस तरह से खिलाएं, तो हेल्दी यम्मी टेस्टी बहुत अच्छा होता है। और बॉयल चावलों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, जीरे के साथ चावल जो होते हैं वैसे आप रोटी से ही खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। गर्मा गर्म खाइए, उस पर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के। अब इसमें देखिए मैंने ये जो डाला है घिया, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये मैंने सब साथ में डाल दिया है क्योंकि मसाला मैंने पहले ही भून लिया है। अब मैं तेज़ आग से 5 विसल्स लूँगी, फिर बर्नर को मैं ऑफ़ कर दूँगी, तो दोनों चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा ये चिकन करी, बहुत ही मज़े की लगती है सब्जी वाली। इसमें आप जो पसंद हो फेवरेट सब्जी वो आप डाल सकते हैं, आप इसमें भिंडी भी डाल सकते हैं, आप इसमें बैंगन भी, जो भी पसंद हो आपको वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 कप पानी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत ही यम्मी टेस्टी डिलीशियस ये सब्जी चिकन करी तैयार होता है। अब मैं कर दूंगी इसे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन लगाने के बाद मैं 5 विसल्स दूंगी, फिर बर्नर को कर दूंगी ऑफ। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब मैंने लगा दिया है प्रेशर कुकर का ढक्कन, तो ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। एक बार जो ट्राई करें मेरी रेसिपी से, देखिए ये बन के तैयार हो गया है 5 विसल्स ने बनर को पता। देखिए ये सब्जी भी गल चुकी है लौकी, और ये चिकन भी पक डाल दिए मैंने इसमें, हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो पानी ज़्यादा ऐड कर दें, अगर आपको भुना हुआ रखना है तो पानी कम डालें। अच्छी तरह से देखिए लौकी भी गल गया और ये चिकन भी।
तो ये हो गया, बन गया तैयार, बहुत ही यम्मी टेस्टी, बहुत डिलीशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।